मैम लगती ही नहीं है, मम्मी जैसा लगती है। हम लोग को माँ, अगर माँ बोले तो कोई अति शक्ति की बात नहीं है। हम लोग का पिछले में कितना यहाँ फैमिली जैसा लगता है आप लोगों को ना, इतना प्यार भी है जिसको शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते जी। चलिए बोलिए, होली के बारे में बताया, आज कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, आज रंग से पूरा रंगीन हो गया। प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी जो एक हमारी दोस्त भी आ रही है, कर रही है जो भी होली वो भी खेली हुई है, बहुत ज्यादा हम जाते हैं, हमसे यहाँ पे रहा नहीं जा रहा है। रुको, बहुत मजा आ रहा है। मतलब हाँ, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है, होली खेल के अपने क्लासमेट लोग के साथ, सारे कोई मतलब इतने मस्ती के साथ होली खेल रहे हैं कि क्या बताएं। नेस आपको कैसा लग रहा है आपको होली? बहुत अच्छा लग रहा है, हम अपना बहनों के साथ होली खेल रहे हैं। हाँ। ये दोनों बहन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मेमार्टी में आकर के हमको बहुत मदद करती है, और आज होली खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे सवाल है, आपको कैसा लग रहा है होली? बहुत अच्छा लग रहा है मेमार्टी में आके होली खेल के। हम तो आज कॉलेज आने वाले भी नहीं थे क्योंकि मुझे घर जाना था, लेकिन मैम ने कहा कि सारे लोगों को पार्टी शिव में होना है, तो फिर हम आज कॉलेज आ गए, उस चीज़ को छोड़ के आए, घर कल जाएंगे। बाकी आज बैचमेट के साथ होली खेल के बहुत मज़ा रहा है, साथ ही साथ यहाँ के टीचर्स लोग भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी कॉम्पिटेटिव है, और होली में सारे टीचर्स स्टूडेंट सारे इंजॉय कर रहे हैं, बहुत टीचर के साथ होली खेल के अलग बहुत कॉम्पिटेटिव है। यहाँ का टीचर बहुत अच्छी है और हम लोग को बहुत सपोर्ट करती है, और हर फेस्टिवल हम लोग मिल के मनाते हैं। हम लोग का प्रिंसिपल मैम तो हम लोग को मैम लगती ही नहीं है, हम लोग को माँ, अगर माँ बोले तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। हम लोग का प्रिंसिपल मैम हमको इतना यहाँ फैमिली जैसा लगता है, हम लोग को प्रिंसिपल मैम हम लोग को इतना प्यार दी है जिसको शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते जी। हम लोग को बहुत प्यार है, यदि यहाँ के स्टूडेंट हर स्टूडेंट को कोई समस्या होती है, पर्सनल समस्या होती है, तो मैम को बताने से मैम बहुत अच्छा सुझाव देती है, हर कोई समस्या हो जाता है, हल कर देती है। हम लोग माटी छोड़ के जाना नहीं चाहते, फेस्टिवल मतलब एक यूनिक फेस्टिवल बन जाता है। लग रहा है जैसे जैसे हम लोग का दिन दिन बीत रहा, हम लोग को रोना आ रहा है, रोना आ रहा है, जाने वाले नहीं, लोग यही रह जाएंगे। नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कि काश कोरोना काल नहीं होता, हम लोग ज्यादा क्लास करते हैं तो और भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा होता है, हम लोग और एक दूसरे को जानते हैं, और सारे क्लासमेट लोग को हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर भी कुछ ही समय हुआ है कि जो कि हम लोग एक दूसरे को बहुत समझने लगे, सारे टीचर लोग को भी समझ में, टीचर लोग हम लोग को भी समझने लगे, कुछ और टाइम मिलता तो शायद और बेहतर हम लोग कर सकते। कॉलेज नहीं है, एक फैमिली है जी, एक एमआरडी फैमिली। हमको लगता है कि ये कॉलेज नहीं है। आरफा मैम के बारे में आपको क्या कहना है? आरफा मैम बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, इंटेलिजेंट है, एमआरडी की जान है, एमआरडी की जान है, क्या कर सकते हैं, हम लोग का सेकंड मदर है, हम लोग का सेकंड मदर है। सचिन बताएं आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत ही अच्छा, मतलब क्या बताएं आपको, मतलब खुशी के आंसू आ रहे हैं, खुशी का आंसू, आनंद जी जो है हमारे वीडियोग्राफी है और हमारे कॉलेज का आन बान शान है, आन बान शान सब है, सब चीज है। थैंक यू, थैंक यू। इसको जितना भी सारे वीडियो बनाते हैं जो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे गए, हम लोग का प्रोग्राम, आनंद जी, आनंद जी आए हैं तो कॉलेज में बाहर आए हुए हैं, उससे पहले तो पतझड़ी थे, अब हरियाली, बात सही है। आनंद जी के आने के बाद देखिए जो फूल पत्ते हंसने लगे, खिलखिलाने लगे, और हरियाली भी आ गई, हरियाली भी आ गई, तो चलिए अब चलते हैं, होली का मजा लेते हैं वहाँ आगे। क्या आपको होली के बारे में क्या पता है, या क्या जानते हैं होली के बारे में? जी, एक बार क्या होता है कि विनायक चतुर्थी के दौरान होली का एक वरदान प्राप्त होता है कि आग में नहीं जलना होता, मतलब वो नहीं जी जी जी,
उसका ऐसा एक वरदान प्राप्त होता है। तो हिमायत टीपू जो है प्रहलाद को गोद में लेकर के अपने बन होलिका को आग में बैठने के लिए उसको कहती है जी। लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद के द्वारा क्या होता है कि हवा के माध्यम से वो उसका जो वरदान प्राप्त होता है वो उड़ जाता है और होलिका जो है जल जाती है और भगवान प्रहलाद जो है बच जाते हैं। तो भगवान प्रहलाद नहीं, मतलब विष्णु भगवान के भक्त प्रहलाद के बचने के खुशी में जो है उसके दूसरे दिन जो है अबीर गुलाल लगा कर खुशियाँ व्यक्त किया जाता करता है लोग। तो इसीलिए जो है उस दिन से जो है होली का प्रारंभ हुआ जी। आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एमआरटी में होली खेल के बहुत ही मजा आया। हाँ, ये यहाँ का कॉलेज जो है ना, हम लोग को ये कॉलेज नहीं है और यहाँ का मैम नहीं है, यहाँ का हर मैम माँ है जी। और यहाँ का कॉलेज नहीं है, हमको लगता है ऐसा कि एक हम लोग को घर है और यहाँ पे सब मेरी माँ है, एकदम फैमिली की तरह लगता है, पूरा फैमिली की तरह रहता है। और हम लोग को यहाँ का स्टूडेंट को साथ नहीं बता रहे हैं, यहाँ का सभी स्टूडेंट को कोई अगर यदि प्रॉब्लम होता है जी, तो हमारे प्रिंसिपल जी मैम नहीं, प्रिंसिपल माँ जी जी, अगर उसको प्रिंसिपल मैम को बताने ऐसा जो है वो हम लोग को सारा समस्या को हल कर देती है और सुझाव देती है जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको। तो गणेश जी, अगला सवाल है मेरा कि आपको यहाँ क्लास करके कैसा लगता है? यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर घोल में कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? पढ़ाई तो बहुत अच्छा होता है, विनीता मैम है अच्छा पढ़ाती है, क्या बताए, जतरा मैम है बहुत अच्छा पढ़ाती है, आरफा मैम है ऑलराउंडर है, सभी से पढ़ाती है वो जी। उसके बाद यहाँ के बहुत अच्छे हैं, अफसना नाज मैम है जी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, साहिल मैम है बहुत अच्छा पढ़ाती है, सलोमी मैम है, सलोमी मैम के विषय में क्या कहा जाए, उसको इतना मतलब मतलब के विषय में जितना तारीफ किया जाए, पढ़ाई के विषय में जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। और क्लास करके हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जी। अब तो छुट्टी होने वाला है, तो कैसे रहिएगा दो एक सप्ताह अभी? वही तो सोच रहे हैं, शायद छुट्टी में हमको अच्छा नहीं लगता है जी, लेकिन छुट्टी त्यौहार है तो क्या करें, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अपना मतलब अपना भी फैमिली देखना होगा ना थोड़ा सा। स्टाफ जो है, दीदी लोग हैं, ये कैसे हैं, मतलब किस टाइप में यहाँ रहते हैं इन लोग प्यार भरे से? दीदी हमारी मीना दीदी है, बहुत अच्छी है, क्या बोले, मतलब कॉलेज का साफ सफाई का भार इन्हीं पर है जी, और हमारा कॉलेज को मतलब पूरा साफ सुथरा रखती है और बहुत अच्छी है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है जी, हम लोग को हर बात जैसे कभी एकदम फैमिली की तरह लगता है यहाँ पे। हाँ, दीदी भी बहुत अच्छी है, हम लोग को हमेशा पानी उनी पिलाती रहती है और कोई प्रॉब्लम होता है तो बताने पर ये भी सॉल्व करती है, जी, है। yeah. बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है दीदी, चलिए बोलिए। 8 साल से और स्पेशल क्वेश्चन है नेहादी के लिए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे होली खेल के? बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किए सच जी। ये बैग किसका है गणेश? चोरी करके ले आया है। जी और टूट गया है ये जो है, थर्ड फ्लोर में छोड़ गया था, तो उसी को जो है स्टाफ जो है स्टाफ दीजिए हमको दिलाने के लिए, वेट कर रहा था क्या इसके अंदर है, हैवी चीज, इसके अंदर बहुत सारी चीज है, कलर है, पैसा है, रुपया पैसा है, मेकअप का सामान है, ये हमारे विक्रम भाई हैं जो सबको कलर लगा रहे हैं, लाख रुपया है। सबसे स्पेशल सवाल आपसे है कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे होली खेल के? ऐसा मौका पहली बार मुझे मिला जो आप सभी के साथ होली खेलने का अवसर मिला, तो आज ये हमारा सीआरबी है, हमारा सीआरबी है, हमारा सेक्शन है, सीआरबी है और इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। जितना भी लंबे लंबे भैया है दीदी है जो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका है।